हेलो एवरीवन वेलकम टू द एग्जाम टाइम सर हमारा आज है लेक्चर नंबर थर्ड इकोनॉमिक्स का और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली हम लोग आज कार्डिनल अप्रोच डिस्कस करेंगे जैसे कि हम यूटिलिटी एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं आई होप तुमने दोनों ही लेक्चर्स देखा होगा प्रीवियस सॉरी प्रीवियस तीनों ही लेक्चर ये हमारा फोर्थ लेक्चर नंबर है मैंने बाय मिस्टेक थर्ड बोला इसे लेकिन ये हमारा लेक्चर नंबर फोर्थ है तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो साथ ही साथ आप हमारे बी कॉम एंट्रेंस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो ये सारे बेनिफिट्स आपको कोर्स के अंदर मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन बनाते हैं हमारे कोर्स को और आपकी पढ़ाई को भी बूस्ट कर सकते हैं टू दि नेक्स्ट लेवल आप इसे ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट परचेज लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग तो इस दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो फीचर्स ये रहे तुम्हारे आंखों के सामने देख सकते हो ठीक है सो तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को कंज्यूमर बिहेवियर कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या मतलब सर एक कस्टमर का बिहेवियर बिल्कुल उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं द थ्योरी ऑफ अ कंज्यूमर बिहेवियर सीक्स टू एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर सिकलिब्रियम मतलब इसके अंदर हम कंज्यूमर इक्लिब्रियम की बात करेंगे कंज्यूमर इक्लिब्रियम क्या होता है एक ऐसा पोजिशन होता है जहां पे कंज्यूमर अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे होता है आगे बात करेंगे डिटेल में उससे पहले तुम्हें समझना होगा दो अप्रोचेस कौन कौन से कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच तो यूटिलिटी एनालिसिस को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किए गए कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और दूसरा है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ध्यान से सुनना सारे डायरेक्ट पॉइंट्स लिखे गए जहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं सबसे फर्स्ट है यहाँ पे कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया था वही बात करें ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की तो वो दिया गया था जी हिक्स एंड आरजेडी एन एल तो सबसे पहला एमसीक्यू यहीं से निकल कर आ सकता है कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस कि दिया था और ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस दिया आगे बढ़े अपने की तरह, तो को तुम कर सकते जैसे कि किसी भी चीज को मेजर करने के लिए टर्म्स होते जैसे कि को करने के लिए एक केजी हो गया एक लीटर हो गया सब्जी हो, सब हो तो एक के तुम बोलते हो वैसे ही यूटिलिटी को मेजर करने के लिए एक टर्म होता है यूटिल्स अब यूटिलिटी क्या होता है आगे समझेंगे जस्ट अभी याद करते चलो मेरे साथ कार्डिनल यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ यूटिल्स कौन सा लॉ अप्लाई होता है याद रखना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इसे हम मार्शिलियन एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं यह चीज भी तुम क्लियर रखना स्क्रीन लो यहां पर एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया था इसे हम मेजर कर सकते हैं यूटिल के टर्म्स में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी साथ ही साथ इसे हम मार्शलियन एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं तो ये बेसिक टर्म्स हो गए आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बता दे रहा हूं एक और ऑर्डिनल के बारे में भी जान अभी हम लो ऑर्डिनल नहीं करने वाले हैं। अभी हम लोग पे ही रहेंगे। लेकिन जस्ट एक ओवरव्यू ले लो। इसे तुम कंपेयर नहीं, नहीं कर सकते तुम इसे कंपेयर कर सकते हो ठीक measure, तुम इसे नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम इसे कर, कर सकते हो एग्जाम्पल दो तो डिफरेंस करो पढ़ेंगे इसके बारे में तो ये चीज तुम याद रखना जो भी चीजें मैंने तुम्हें यहां पे बताई अभी ठीक है बढ़ते हैं आगे यूटिलिटी एनालिसिस की की तरफ और कार्डिनल अप्रोच की तरफ देखो द कार्डिनल अप्रोच टू द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस मतलब जो हमारा कार्डिनल अप्रोच है ये कौन से बेसिस पे बेस्ड है कौन से कंसेप्ट बेस्ड है तो ये यूटिलिटी कंसेप्ट बेस्ड है इट एज्यूम दैट द यूटिलिटी इज कैपेबल ऑफ मेजरमेंट इसे आप ऐड कर सकते हो सब्सट्रैक्ट कर सकते हो मल्टीप्लाई कर सकते हो एंड सो ऑन मतलब ये तुम जैसे बेसिकली जो हमारे होते हैं डेली लाइफ में कि आप इसे मेजर कर रहे हो ऐड कर रहे हो इसमें माइनस कर रहे हो मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो डिविजन वगैरह कर रहे हो एग्जाम्पल की बात करूँ तो वन हो गए टू थ्री फोर ये सारी चीज़ें तो तुम्हें पता ही होंगी ये हम मेज़र कर सकते हैं ठीक है तो कौन से टर्म्स में इसे मेजर करते हैं तो यूटिल्स टर्म्स में इसे हम मेजर करते हैं यह चीज याद रखना कौन से टर्म में यूटिल्स के टर्म्स में अकॉर्डिंग टू कैन बी मेजर इन कार्डिनल नंबर को हम क्या बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स क्या बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स याद रहेगा फिशर्स हैज यूज द टर्म यूटिल क्वेश्चन बनेगा यहां पर टर्म यूटिल यूज किया तो फिशर्स भाई साहब दस इन द टर्म्स ऑफ कार्डिनल अप्रोच इट कैन बी सेड दैट वंस गेट्स अ कप ऑफ टी फाइव यूटिल्स तुम चाय पी रहे हो तुमसे कैसे बताओगे कि तुम्हें, तुम्हें से कितना सेटिस्फैक्शन मिला क्या बताओगे इतना सेटिस्फैक्शन मिला या इतना सेटिस्फैक्शन मिला नहीं तुम बोल सकते हो मुझे पांच यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला एक कप चाय पीने से एक कप चाय पीने से मुझे दस यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला तो तुम्हारे सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे एक टर्म्स है जिसे कि नाम देते हैं हम यूटिल्स ठीक है एक रसगुल्ला खाने से तुम्हें पंद्रह यूटिल्स मिल रहा है ये सारी चीजें हैं यहां पे जैसे कि तुम्हें कंसिडर करना होगा अब यूटिलिटी क्या होता है तो एक स्टेटमेंट लिख दू वट सेटिसफाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी वॉन्ट सेटिस पावर ऑफ पार बोलो पावर बोलो ऑफ कमोडिटी देखो द टर्म यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स इज यूज टू डिनोट दैट द क्वालिटी इन गुड और सर्विस बाय वर्च्यू ऑफ विच आवर वॉन्ट्स आर सेटिसफाइड मतलब जो यूटिलिटी टर्म होता है किसी भी प्रोडक्ट के क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है कौन यूटिलिटी रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारे वांट्स को सेटिसफाई करते हैं इन अदर वर्ड्स यूटिलिटी इज डिफाइंड एज दी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी बेसिक स्टेटमेंट है इलेवंथ में तुमने पढ़ रखा होगा अब देखो तीन कंसेप्ट होते हैं यूटिलिटी के इनिशियल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी और एक मार्जिनल यूटिलिटी ये तीन बेसिक कंसेप्ट होता है जो कि तुम्हें समझना है इनिशियल इनिशियल का क्या मतलब होता है स्टार्टिंग स्टेज स्टार्टिंग स्टेज फर्स्ट स्टेज हो गया ये सारी चीजें स्टार्टिंग स्टेज फर्स्ट स्टेज ये सारी चीजें होती हैं ठीक है तो द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड इनिशियल यूटिलिटी मतलब जो तुम्हें एक प्रोडक्ट कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन मिले एक कप चाय पीने से जो तो तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिले वो तुम्हारा होता है इनिशियल यूटिलिटी दूसरा कप पियोगे तो वो एडिशनल मार्जिनल एडिशनल यूटिलिटी हो जाता है तुम्हें एक पीस ब्रेड खाने से तुम्हें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो तुम्हारा होता है मार्जिनल यूटिलिटी क्लियर

या पूरा तुमने चॉकलेट खा लिया जो तुम्हें सेटिसफेक्शन मिला तुम्हारा वो इनिशियल यूटिलिटी होगा नहीं इतना नहीं खा पाओगे इतने इतना इतना चॉकलेट चॉकलेट साथ में एक है है डेरी मिल्क सिल्क कितने रुपए वाला रुपए रुपए वाला माल, असी वाला है ठीक एक बाइट तुमने मारा मैंने खाऊंगा नहीं डरो मत मैं खाऊंगा नहीं एक बाइट तुमने मारा इस बाइट तुम्हें लेने से जो सेटिस्फेक्शन मिला तुम्हारा वो होगा इनिशियल यूटिलिटी मतलब फर्स्ट यूटिलिटी या स्टार्टिंग फेज ऑफ यूटिलिटी ठीक है सर इधर वाला पार्ट गायब हो गया दिख रहा है या नहीं दिख रहा है तुम्हें हाँ दिख रहा होगा ये कैमरा गायब कर दिया मतलब फर्स्ट बाइट मैंने गायब कर दिया ये है दूसरा स्लाइस इस दूसरे स्लाइस को खाने से आप देख हो कौन सा स्लाइस में बता रहा हूँ ये वाला इस साइड पोर्शन वाला ये तुम्हें खाने से जो सेटिस्फैक्शन तुम्हारा मिलेगा वो तुम्हारा होगा कौन सा मार्जिनल यूटिलिटी

तो MU यूनिट इजिकल्स टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन लिख रहा हूं टी यू एन ठीक है TU माइनस टी यू एन माइनस वन ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका किसका होता है ये फॉर्मूला ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल यूटिलिटी का मैंने तुम्हें क्या फॉर्मूला बताया था एमयू या MU वन प्लस एमयू टू प्लस एमयू थ्री इनिशियल तो फॉर्मूला ही नहीं है उसमें अब यहां देखो रिलेशनशिप दे रखा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर साल क्वेश्चंस रहते हैं मैक्सिमम ईयर देखा गया है रिलेशनशिप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं देखना इसे दिख रहा होगा तुम्हें आई होप चलो एक एक करके समझाता हूँ सबसे पहले यहां पे जो है ये है हमारा टोटल यूटिलिटी का कर्व टोटल यूटिलिटी का कर्व और ये है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व मतलब एडिशनल वाला है ये ये इकट्ठे वाला है पूरा तो जब यहां पे तुम इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे ध्यान से देखना ये इंक्रीज हो रहा है यहां से देखो इंक्रीज होता जा रहा है टोटल यूटिलिटी एक पॉइंट पे जाके ये डिक्रीज हुआ और तुम देखोगे कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा डिक्रीज ही हो रहा है इवन नेगेटिव भी हो जा रहा है एक, एक पॉइंट पे जाके यहां तक समझ आया चलो सबसे पहले टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ठीक है सर टी यू इनक्रीजेज सो लॉन्ग एज एम यू इज पॉजिटिव क्या बोला गया है टीयू तब तक बढ़ता रहेगा टी यू तब तक बढ़ता रहेगा जब तक मार्जिनल यूटिलिटी हमारा पॉजिटिव होगा तो तुम ध्यान से देखो इस कर्व में मार्जिनल यूटिलिटी यहां तक पॉजिटिव है इसके बाद वो निगेटिव में चला गया यहां पे देख रहे हो निगेटिव का साइन भी दे रखा है यहां पे वो निगेटिव में चला गया यहां तक पॉजिटिव है उसके बाद निगेटिव में चला गया तो बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो टोटल यूटिलिटी तब तक बढ़ता रहेगा जब तक एमयू पॉजिटिव रहेगा तो देखो इंक्रीज हो रहा है यहां पे पॉइंट अब तुम इसको यहां से मैच करके देख लो इस पॉइंट तक यहां तक ये यह जब तक पॉजिटिव रहा तुम्हारा टी यू भी बढ़ता रहा बढ़ रहा है ना ठीक है फर्स्ट क्लियर सेकेंड क्लियर दूसरा तीस, मतलब तीसरा वेन एम यू इज जीरो जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है मार्जिनल यूटिलिटी जीरो तो सर यहां पे है मार्जिनल यूटिलिटी जहां पे जीरो है उस सिचुएशन में टीयू इज मैक्सिमम टीयू अपने मैक्सिमम पे है मैक्सिम टीयू मैच करके देख लो जहां पे एमयू जीरो पे है वहां पे आपका टीय मैक्सिमम पे है ठीक है टी यू कहां है मैक्सिमम पे है फोर्थ पॉइंट वेन एमयू इज निगेटिव जब एमयू निगेटिव हो जाता है कहां निगेटिव हो रहा है एक मिनट कहां निगेटिव हो रहा है यहां पर निगेटिव हो रहा है ये वाला पोर्शन एम यू निगेटिव यहाँ पे हुआ तो जैसे ही एम यू निगेटिव होता है आपका टी डिक्लाइन करना स्टार्ट करता है टी डिमिनिश करना स्टार्ट करता है डिमिनिश का मतलब डिक्रीज कह लो डिक्लाइन कह लो ठीक है ये सारे सेम टर्म्स हैं तो जहाँ से आपका एम डिक्लाइन निगेटिव जाएगा वहाँ से आपका टी डिक्लाइन करना स्टार्ट करेगा देखो इस जगह पर इरेज कर रहा हूँ ये डिक्लाइन करना स्टार्ट किया कि नहीं क्लियर है लास्ट पॉइंट क्या कहता है डिक्रीजिंग एम यू इंप्लाइज दैट टी यू इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट ये जो डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी है डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी है इसका क्या कहना है ये डिक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या क्या कहना है इसका ये कहना है कि जो आपका टी यू बढ़ रहा है वो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है मतलब स्लोली स्लोली बढ़ रहा है देख रहे हो तुम कितना धीरे मतलब ऐसे बढ़ रहा है बढ़ना होता तो डायरेक्ट ऐसे बढ़ जाता एकदम स्लो तो पेस पे बढ़ रहा है तो ये है रिश्ता इनके बीच बताओ मिनट इरेज कर ले रहा हूं पेज ये रिश्ता है टी यू और एम यू के बीच का इसे जरूर याद कर लेना ये जो यहां पे दिख रहा है तुम्हें बेसिक है कुछ भी इसमें है नहीं चलो अब देखो बेसिकली दो लॉ हमें पढ़ने हैं लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस उसके अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग है और लॉ ऑफ क्या है इधर गया किधर गया किधर गया दो लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग और लॉ ऑफ इक्वी यूटिलिटी इक्वी मार्जिनल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रख लेना फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ के नाम से भी जानते हैं और फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं तीन नाम है इंपॉर्टेंट है रट्टा मार लो ऑल्सो साइकोलॉजिकल

वो कहीं ना कहीं कम होती जाती है जैसे जैसे आप उसका कंजम्पशन बढ़ाते जाते हो आपकी सेटिस्फैक्शन कम होती जाती है एग्जाम्पल मैंने लिया था तुम्हारे साथ डेरी मिल्क सिल्क का तुमने जब फर्स्ट बाइट इसका लिया था तो तुम्हारा जो सेटिस्फैक्शन होगा वो नेक्स्ट लेवल पे होगा मतलब तुम बहुत सेटिस्फाई हो रोगे कि क्या मस्त चॉकलेट है अभी इतना मिले तो पांच छह पैकेट खा जाएंगे इकट्ठे लेकिन जैसे जैसे तुम शिफ्ट करते गए दूसरे बाइट पे तीसरे स्लाइस पे तुम्हारी सेटिस्फैक्शन कम होती गई तो जस्ट एक इसकी वजह से हो पाता है लॉ ऑफ डीएमयू के वजह से उसने सिंपली ये मेंशन कर रखा है कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाओगे किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का आपका जो सेटिस्फैक्शन होगा वो डिक्लाइन होता जाएगा जस्ट कहानी खत्म एक और एग्जांपल देता हूं पिज्जा तुमने डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर किया मीडियम साइज रेगुलर नहीं मीडियम बता रहा हूं एक ही बात है ज्यादा डिफरेंस नहीं होता नहीं तो जो तुम्हारा मीडियम साइज पिज्जा होगा तुम जब उसका फर्स्ट स्लाइस खाओगे तुम्हारा जो सेटिस्फैक्शन होगा ना वो कहीं ना कहीं बहुत ही ऊपर होगा यार हमें तो जन्नत ही नसीब होगी ऐसा तुम सोच रहे होगे जैसे जैसे तुम स्लाइसेस खाते जाओगे तुम्हारा सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा तो यहाँ पे दिक्कत आती है कौन दिक्कत क्रिएट करता है लॉ ऑफ डीएम दिक्कत क्रिएट करता है तो ये चीज तुम याद रख लेना ठीक है ऑल ऑफ अस एक्सपीरियंस दिस लॉ इन आवर डेली लाइफ ये हम अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं इफ़ यू आर सेट टू बाट एट अ गिवन टाइम देन रिलेवेंट एक्साम्पल नहीं है दो इंपॉर्टेंट लॉ है law और देखो, कहीं, कहीं सारे जगह ही सेम होती है तो यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं नंबर जो मैंने तुम्हें बताया था देर इज अ नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर ये तुम्हें मानकर चलना होगा कि जो कंज्यूमर का इनकम है वो कॉन्सेंट रहेगा उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर तुम साठ हजार कमा रहे हो तो तुम साठ हजार ही कमाओगे मार्जिनल यूटिलिटी मनी का एम यू एम की बात की जा रही है एम यू एम जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा और तुम एक सूटेबल क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हो ऐसा नहीं कि बच्चों की तरह होता है ना कि मम्मी ने एक बाइट खिलाया एक और खिलाया फिर गए घूमते घूमते खेलते खेलते घर का राउंड मारते हैं फिर से दूसरा कौर खाए फिर घूमते घूमते गए तीसरा कौर खाए ये क्या है ये सूटेबल क्वांटिटी नहीं है बच्चों की तरह नहीं आ, एक और तुम पॉइंट से रिलेट कर सकते हो ग्लास ऑफ वाटर नॉट अ टी स्पून ऑफ अ वाटर चम्मच से पानी पीने मत बैठ जाना ग्लास से पानी पीने बैठना ये तुम्हारा होगा सूटेबल क्वांटिटी तो ये एजाम्शन बोला गया है कि जस्ट तुम्हें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे डीएमयू कि तुम जैसे जैसे अगर तुम मान लो तुमने एक और अभी खाया फिर बच्चों की तरह राउंड मार गया तो तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारा वो जो कहते हैं ना सेटिस्फैक्शन वॉन्ट्स डिक्राइज नहीं कर डिक्रीज नहीं करें डिक्राइज बोल रहा हूँ डिक्लाइन नहीं करेगा तुम्हारा जो सेटिस्फैक्शन है वो कम नहीं होगा क्योंकि तुम एक इंटरवल एक गैप पे ले रहे हो कंज्यूम कर रहे हो उस चीज को तो कंजम्पशन जो होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए तब जाकर डीएमयू काम करता है ठीक है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट सुटेबल क्वांटिटी कंज्यूम होगा कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए जो मैंने तुम्हें बोला मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एवरी कमोडिटीज इंडिपेंडेंट एवरी यूनिट ऑफ कमोडिटीज यूज टू सेम क्वालिटी एंड साइज क्या पच नहीं ग्लास इज नो चेंज इन टेस्ट कैरेक्टर एंड फैशन तुम्हारे टेस्ट में चेंज नहीं आना चाहिए ऐसा नहीं कि तुमने एक बाइट लिया नहीं मुझे अब ये नहीं खाना है दर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी और उसके सब्सटीट्यूट में कोई भी चेंज नहीं आनी चाहिए और कंज्यूमर का बिहेवियर रेशनल होना चाहिए मतलब दिमागी हालत सही होनी चाहिए क्लियर है यहाँ तक एजम्पन है कुछ भी नहीं है कंज्यूमर इक्लिब्री नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ठीक है इसको यहीं तक रखते हैं कोई दिक्कत हो तो तुम मेरे से पूछ सकते हो देखो एजम्पन मैंने बहुत ही फास्टली तुम्हारे साथ कवर किया कुछ है ही नहीं इसमें जो मैं तुम्हें बताऊं जस्ट बोला गया जो तुम अपने डेली लाइफ में अप्लाई करते हो कि तुम्हारा जो यूटिलिटी होगा तुम उसे कार्डिनल नंबर्स में मेजर करोगे कंज्यूमर के इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा एक सूटेबल क्वांटिटी तुम कंज्यूम करोगे फिर कंटिन्यूस कंजप्शन होना चाहिए बच्चों की तरह कंजम्पशन नहीं होना चाहिए तुम्हारे टेस्ट प्रेफरेंस में चेंज नहीं होना चाहिए तुम्हारे इनकम में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स जो होंगे प्रोडक्ट्स होंगे उसके प्राइस साथ ही साथ उसके सब्सटीट्यूट्स में कोई चेंज नहीं होने चाहिए और कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए मतलब इकोनॉमिक पर्सन होना चाहिए एक इंपॉर्टेंट बता दो यह इन सारी चीजों से क्वेश्चन बन सकती हैं तो इसे करना हाईलाइट करके चलना पूछा जा सकता है तुम्हारे एग्जाम्स में सो तो, कैसा लगा तुम्हें ये आज का सेशन जरूर बताना कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक्स अपने डाउट्स तुम शेयर कर सकते हो मेरे साथ साथ, साथ तुम हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो अल्टीमेट अनबीटेबल कोर्स फॉर द सेशन ट्वेंटी ट्वेंटी टू कम्प्लीट वीडियो लेक्चर है स्टडी मटीरियल है अनलिमिटेड एम से क्यूज है सारे बेनिफिट्स तुम्हें प्रोवाइड किए जाएंगे एक सिंगल सब्सक्रिश्शन के अंदर तो तुम चाहोते तो ज्वाइन कर सकते हो सो एंड करते हैं आज के इस सेशन को मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए थैंक यू बब बाय एंड टेक केयर